hello students myself my name is Pratap singh uh, i am a uh, physics teacher today we will discuss energy energy today we will discuss about energy energy what do you mean by energy suppose that we are running after running, so we something are lose. So, this is known as energy. Means capacity of doing work. Yeah, work done by man is known as energy. So we can define of energy the capacity of doing work. The capacity of doing work. The capacity of doing work. इज कॉल्ड ऑन एनर्जी या ऑल्सो साइड दैट द वर्क द टोटल द टोटल वर्क टोटल वर्क डन वाय बॉडी या मैन इज कॉल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी दैट मीन्स हम वर्क को ही एनर्जी बोल रहे हैं दैट मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ S i unit of energy and work will be a same. So, S i unit of energy is also a joule, joule and C G S and C G S unit of energy is erg is Arga. And relation we know that relation between joule and erg, we know that we know that वन जूल इज इक्वल टू वन जूल इज इक्वल टू टेन की पावर सेवन अर्ग वन जूल इज इक्वल टू टेन की पावर सेवन अर्ग एक जूल में टेन की पावर सेवन अर्ग होता है अब बेसिकली अब हमारे अर्थ पर हमारे बहुत सारे सोर्सेस हैं एनर्जी के तो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सच देट लाइक सन मूविंग एयर कोल पेट्रोल डीजल Moving wind, flowing water, earth is also a source of energy. Geothermal energy. So now we will move on, on next topic. Next topic is sources of energy. Sources of energy. We have a wide range of sources of energy. We have. वाइड रेंज वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी एनर्जी जी सच सच एज सन सन कॉम अर्थ अर्थ के पास कौन सी एनर्जी होती है जियो थर्मल एनर्जी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जियो थर्मल जियो थर्मल एनर्जी मूविंग एयर मूविंग एयर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग वाटर के पास भी एनर्जी होती है एंड और क्या ले ले सकते हैं वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड पेट्रोल पेट्रोल कोल दैट मीन्स बी हैव अ वाइड रेंज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी ये सारे एग्जाम्पल के मैं किसके बता दूँ सोर्स ऑफ एनर्जी के एसेप्ट्रा अब बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी डिवाइडेड इंटूर टू पार्ट्स टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी देर आर टू टाइप्स कुछ एनर्जी ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते लाइक कोल है ना कोल को एक बार अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो वर्न आउट हो जाता है ख़त्म हो जाता है तो अगर नेचर में अगर कोल हुआ तो हम उसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ लेकिन लाइक सन सन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो कैसी है हमें बार बार एनर्जी मिलती है है ना तो बार बार एनर्जी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और ऐसे एनर्जी जिसे बार बार नहीं मिलती है ना सिर्फ एग्जॉस्टेबल एग। है。है, है।, है तो ऐसे एनर्जी क्या था होता है नॉन रिन्यूबल मींस एनर्जी एग्जाम्पल एनर्जी डिवाइड इन टू पार्ट्स फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड इज नॉन नर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी नॉ वन टू वन हम इन डेफिनेशंस को डिफाइन कहते हैं फर्स्ट डिफाइन करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन सेकेंड टाइप्स ऑन non renewable source of energy. The first is renewable renewable sources of energy sources of energy. Renewable source of energy also known as non conventional source of energy also known as non conventional, non -conventional sources of energy. Now we will define रिन्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे मैंने बताया ये ऐसे एनर्जी होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और एग्जॉस्टेबल नहीं है इन इनएजस्टेबल हैं तो ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं नॉ रिन्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी द सोर्सेस ऑफ एनर्जी सो वी कैन डिफाइन द सोर्सेस ऑफ एनर्जी द सोर्स ऑफ एनर्जी द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन यूज which can used again and again which can used again and again and are and are in and are in inexhaustible are alcohol are called, are called. Yeah, such type of energy alcohol बल रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एनर्जी लाइक एग्जाम्पल इज तो वेस्ट एग्जाम्पल इज द सन द सन अर्थ या जियोथर्मल एनर्जी अर्थ अर्थ मूविंग एयर मूविंग एयर Moving air, flowing water, flowing water. Hmm? These are examples of renewable source of energy. Now we will move on next type. Next type is next type is next type is non-renewable source of energy. Second, we will move on second type. इधर इधर कंटिन्यू कहते हैं सेकेंड टाइप इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन वन Sources of energy, non renewable sources of energy. Non renewable source of energy also known as conventional source of energy, also known as conventional source of energy. Now, conventional sources of energy. वो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये कैसे एनर्जी होते हैं ये ऐसे एनर्जी होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं ना ये कैसे एग्जॉस्टिबल अमाउंट में है एक बार यूज़ किया और ये ख़त्म होते हैं अगर वही सेम चीज़ यूज़ करनी है तो हमें बनानी पड़ेगी या ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल होते हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं दर्सेज ऑफ़ एनर्जी द सोर्सेज ऑफ एनर्जी the sources of energy which cannot can not used again and again cannot used again and again and and are are exhaustible amount are exhaustible आर कॉल या सच टाइप ऑफ एनर्जी इज नॉन एज नॉन कन्वेंशनल या सॉरी कन्वेन्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड कन्वेन्शनल या नॉन रिन्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एग्जाम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल इज कोल पेट्रोल कोल पेट्रोल डीजल डीजल है ना, नोसिन ये सारे जो एग्जांपल हैं ये किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉन नेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे है। एनर्जी हैं इनको अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो अगर हमारे नेचर में सेकेंड टाइम अवेलेबल हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज ये कॉन्स्टेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होते हैं तो सच टाइप ऑफ एनर्जी इज़ नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ओके नाउ एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं है ना मेनी डिफरेंट टाइप्स वी विल डिफाइन वी वी विल कैटराइज द एनर्जी तो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स different form of energy now we will move on next topic next topic is different different form of energy different form of energy like first is first is mechanical energy mechanical एनर्जी मेकनिकल एनर्जी मीन्स द एनर्जी पॉजिस्ड बाय बॉडी द एनर्जी पॉजिस्ड बाय बॉडी द एनर्जी पॉजिस्ड बाय बॉडी वाय वर्चू वाय वर्चू ऑफ इट्स एंड मोशन इज कॉल्ड इज कॉल्ड मैकेनिकल इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कैटराइज इंटू आर टू पार्ट्स दे आर टू पार्ट्स दे आर टू पार्ट्स देर टू टाइप्स दे आर आर टू टाइप्स फर्स्ट इज फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी और सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी वॉट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी या वॉट इज काइनेटिक एनर्जी तो वी कैन डिफाइन अ वे इज द एनर्जी पॉजिज बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी लाइक एग्जाम्पल मूविंग एयर मूविंग वाटर अगर कोई भी चीज मोशन में है है ना तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी ओके तो हम कैसे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट हाइडिंग इज काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टाइप इज काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मीन्स विनर्जी द एनर्जी एनर्जी पॉजिस्ड द एनर्जी पॉजिट बाय वॉडी बाय वॉडी वाय वर्च्यू ऑफ इट्स by virtue of its motion of its motion is called is called kinetic energy is called kinetic energy kinetic energy example example is moving air moving water एनी थिंग एनी थिंग जो मोशन में है उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी इट्स वेरी सिंपल मूविंग एग्जाम्पल इज मूविंग एयर नाम से फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग वाटर तो वो था एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसेप्टा नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टाइप सेकेंड टाइप इज सेकेंड टाइप इज पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी Now second heading हेडिंग इज पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट डू मीन by पोटेंशियल एनर्जी What इज पोटेंशियल एनर्जी हाउ we विल डिफाइन अ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी means देखो यहाँ पर आप देखो मोशन में जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हुई कोई बॉडी किस पर हुई रेस्ट पर तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उस रीजन से उसने जो एनर्जी पहुँच कर रखी है तो उसके पास हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी लाइक वाटर स्टोर इन डैम तो डैम में जो वाटर स्टोर होता है तो उसके पास जो एनर्जी है उस टाइम वो कैसी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी तभी एकदम से जो कोई भी गेट ओपन होता है तो कितने प्रेशर से कितनी स्पीड से वाटर बाहर आता है क्योंकि अगर उसको हमने स्टोर कर रखा है तो उसके पास एक एनर्जी है तो जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग क्या होगा द एनर्जी द एनर्जी द एनर्जी पॉजिट द एनर्जी पॉजिट बाय बॉडी वाय वर्चू ऑफ इट्स रेस्ट बाय वर्चू ऑफ इट्स रेस्ट इज कॉल्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल इज वाटर स्टोर इन डैम वाटर स्टोर इन डैम ओके एक्सेट्रा दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी दे आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी तो फर्स्ट अभी हमने डिस्कस किया मैकेनिकल एनर्जी है ना इसके और सारे टाइप्स होते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा वी हैप्पी वी टेक केयर